उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल गई हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, RLD और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पाथी मनाया जाएगा, इससे वोटिंग पर असर पड़ता है। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज घोषणा की 10 राज्यों की 33 सीटों पर तारीखों में बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। इस दिन झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर भी मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। वहीं सबके बीच सबकी नज़र यूपी उपचुनाव पर है। यूपी की बात करें तो यहां पर उपचुनाव BJP और समाजवादी पार्टी के बीच मुख मुकाबला है। फूलपुर, गाजियाबाद, मझावा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ से इरफान सोलंकी की सजायाफ्ता होने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले 13 नवंबर की तारीख को वोटिंग कराए जाने का ऐलान हुआ था। फिलहाल यूपी में 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव को लेकर खासा गहमागहमी है और भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच इन सीटों को लेकर तकरार नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।